उधर रायपुर में एनएसयूआई ने भी प्रदर्शन किया है। इस दौरान बीजेपी शासन में हुए घोटालों का जिक्र किया गया है। एनएसयूआई ने कहा कि बीजेपी के शासन में 4,000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ। एनएसयूआई ने पूर्व सीएम रमन सिंह के निवास का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की है। रमन सरकार की दमनकारी घोटालेबाजी को लेकर के आज हम एनएसयूआई कार्यक्रम का घेराव करने आए हैं। जब राज्य में रमन सिंह की सरकार थी, उन्होंने 4,400 करोड़ का शराब घोटाला किया, जिसके विरोध में आज हम सभी एनएसयूआई कार्यकर्ता माननीय रमन सिंह का निवास घेराव करने आए हैं और नकली नोट लेकर के आए हैं कि अगर आपको पैसे की इतनी आवश्यकता है तो ये नकली नोट हम चाहते हैं कि माननीय रमन सिंह जी को दे। ये प्रदेश की जनता का पैसा है, ना कि उनका हक का पैसा। वो सरकारी कोष को अपना घर का खजाना समझते हैं, जो बहुत गलत है, जिसके विरोध में आज हम प्रदर्शन करें।